हाय नमस्ते। एम बी वैली में हूँ मैं, मेरे पापा, मेरी बहन और श्रुति पाठक भी आई, वो भी हमारी फैमिली है। इस समय ताऊते ताऊते नाम है ना उसका, साइक्लोन चल रहा है पूरा, बहुत भयंकर तूफान आ रहा है। और द रीज़न आई एम मेकिंग दिस ब्लॉग टुडे इज़ बिकॉज दिस रूम इज़ वेरी स्पेशल इन अ वेरी सैड वे। दिस इज़ रूम जिसमें मुझे पहली बार ही मालूम पड़ा था 1 दिसंबर 2010 को कि मेरी मम्मी को कैंसर है। मेरे पापा ने मुझे कॉल किया पर मुझे बताया कि मम्मी को एडवांस स्टेज कैंसर है। हम हिल गए थे उस समय, फिर यहीं पर पूरी रात बैठ के मैं रोया। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में गया एमबी वैली से, परफॉर्मेंस थी मेरी यहाँ पे, वो करके फिर मैं नेक्स्ट डे मुंबई पहुँचा। फिर हम वहाँ घर पर ही बहुत रोए, कैंसर पता नहीं था कैंसर क्या होता तब तक, मालूम पता नहीं था कि कितनी सफरिंग होती है पेशेंट को, पता नहीं था कि फैमिली कितनी हेल्पलेस हो जाती है। जिन लोगों ने कैंसर को मात दी है या जिन लोगों ने कैंसर को क्या कुछ देखा है वही जानते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत बुरी चीज़ है। बस दिस वाज रीजन आई वांटेड टू मेक दिस व्लॉग। नथिंग मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस योर पेरेंट्स, गॉड ब्लेस योर फैमिलीज। अपना ख्याल रखिएगा। एंड मेरी मम्मी बहुत अच्छी औरत थी, बहुत अच्छी औरत थी, बहुत तड़पी, लेकिन बेचारी बहुत तड़पी थी। आई स्टिल कांट बिलीव दैट इतनी अच्छी औरत को इतना भुगतना पड़ा। देखो मैंने कुछ बोला तो मम्मी जग गई। मम्मी बोल रही है मुझे, हाँ हाँ ठीक है, बताए बताए। इतनी अच्छी औरत थी, देखो देखो देखो। हाल खराब है। माय मदर इज रिस्पॉन्डिंग टू माई टॉक्स। बेचारी ने बहुत तकलीफ झेली है, झेली थी 2.5 साल दस तकलीफ झेली। अरे देखो दिस इज हाउ ये लोग जो चले जाते हैं, ये लोग यूनिवर्स में रह के इस तरीके से रिस्पॉन्ड बैक करते हैं। ओके मैम बताओ, बाय बाय गाइज, गॉड ब्लेस यू। और मैंने गाइज बोला पहली बार, भाई ला मेरे मुंह से कभी गाइज निकलते नहीं। हाय गाइज, हाउ आर यू गाइज। बिगड़ गया बच्चा, अम्मा देख तेरा, अम्मा देख तेरा बेटा, तेरा मुंडा बिगड़ जाए। ओके बाय।